तीसरा T20 मैच जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच। आपको इस वीडियो में इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, टीम कंपैरिजन और बहुत सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद आपको इस वीडियो में पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दोनों टीमों कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लोग जरूर से देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो आपको बता दूं इन दो टीमों के बीच जो लास्ट के 10 मुकाबला खेला गया है, 3 मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम जीती है, 7 मुकाबले इंडिया की टीम जीत के आ रही है। इन दो टीमों के बीच जो लास्ट मुकाबला हुआ था उस मैच में बहुत ही बुरी तरह जो है इंडिया की टीम ने जो है जिम्बाब्वे की टीम को हराया था 100 रन के अंतर से फर्स्ट बैटिंग करते हुए। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों के T20 में रिसेंट फॉर्म की, तो आपको बता दूं जिम्बाब्वे की टीम लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे हारी है, 2 मैच यहाँ पे जीती है। वो इंडिया की टीम लास्ट के 5 मैच जो खेली है यहाँ देखो 4 मैच यहाँ पे जीती है, 1 मुकाबला अपना यहाँ पे हारी है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन के बारे में, तो आपको बता दूँ जिम्बाब्वे की टीम लास्ट के 10 T20 मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 50% इनका विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 136 का, हाईएस्ट स्कोर है 196 का, वही लोएस्ट स्कोर है 91 रन्स का। बात करें इंडिया की टीम की, इंडिया की टीम लास्ट के 10 T20 मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 90% का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 159 का, हाईएस्ट स्कोर है 234 रन का, वही लोएस्ट स्कोर है 97 रन्स का। वहीं अगर बात करें सीरीज स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दूं इन दोनों टीमों के बीच जो है टोटल 5 T20 मुकाबला जो खेला जाने वाला है, जिसमें से 2 T20 मुकाबला ऑलरेडी खेला जा चुका है, 1 मुकाबला इंडिया की टीम जीती है, 1 मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम जीती है। लेकिन सीरीज अभी यहाँ बराबरी पे आ चुका है और ये मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर इस सीरीज को जीतना है तो। बाकी अगर पिच रिपोर्ट की बात कर जिम्बाब्वे के होम ग्राउंड में खेला जाएगा मैच हरारे क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब में। बात करें इस स्टेडियम की पिच की, तो आपको बता दूं आपको केवल एक बात ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट बैटिंग इंडिया की टीम उतरी तो ही आपको जो 180 से लेके 200 प्लस भी स्कोर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। वही अगर जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट बैटिंग पर उतरी तो वही आपको जो है 130 से लेके 150 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट बैटिंग पर उतर गई तो देखो अगर 150 के आसपास स्कोर बना देती है, ठीक है, तो इंडिया की टीम को परेशान कर सकती है फर्स्ट T20 मैच जैसे। बट हाँ, ये मैच आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, रेट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप कमा सकते हैं इस मैच में अच्छा खासा। तो चलिए बात करते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में। अगर बात करें मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन की, तो आपको बता दूं दोनों टीमों का यहाँ पे टीम कंपैरिजन टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको जो है इंडिया की टीम आपको इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल बिट नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना मैच शुरू होने से पहले मैच को बड़ी खबर आ जाती है जिस कारण मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलती है आप किसी और वीडियो में, जब तक बाय।